आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थ्री। ये चैप्टर टेन की इंट्रोडक्शन वीडियो का पार्ट थ्री है। इसके पहले हमने दो वीडियो बना चुके। हम शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका दिमाग ना चकराए इसे देखने में। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट का बेसिकली सिंपल मीनिंग होता है स्पर्श रेखा, यानी जो सर्कल को छू के निकल जाए किसी एक पॉइंट पे, वही टेंजेंट होता है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अलाइन सेगमेंट, सॉरी ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट जब सर्कल पे ही एंड हो जाए दोनों पॉइंट, लेकिन यहाँ पे तो एरो बना है, यानी ये कितनी भी दूर तक बढ़ा सकते हैं हम इसे, इसीलिए ये लाइन है। अ लाइन डैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो सेकेंड होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये टेंजेंट होगा सर्कल का, जो बस एक पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसमें देखिए, इसमें एक सेंटर होता है और उसी सेंटर से डिफरेंट रेडियस से हम सर्कल बनाते हैं। मतलब कितने भी सर्कल बना दो, उसका सेंटर एक ही हो, वही हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। यानी इस पे बहुत सारे सर्कल बनते हैं बस एक ही रेडियस से, एक ही सेंटर से। सर्कल विच हैव द सेम सेंटर, सर्कल्स ये तीन सर्कल बनाए हमने सेम सेंटर से एंड डिफरेंट रेडियाई। देखिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म हमने यूज़ किया है रेडियस का, डिफरेंट रेडियाई, यानी इन तीनों रेडियस का मेजर डिफरेंट है, वही हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। ठीक है, आर्क ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल का आर्क क्या होता है, देखिए, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ दी सर्कल। किसी सर्कल का एक कंटिन्यूअस पीस, मतलब ये पूरा सर्कल जो है इस पे कोई भी दो पॉइंट ले लिए जाए, जैसे हमने यहाँ पे लिया ए और बी, इसके बीच का जो ये कंटिन्यूअस लाइन है, इसी कंटिन्यूअस पीस को हम आर्क कहते हैं। ठीक है, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल, यही हमारे सर्कल का आर्क होता है। अब कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है,